भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। सियाना के गांव चांदपुर निवासी व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों पर लगाया घर में घुसकर पथराव और मारपीट करने का आरोप। मारपीट में पुत्री और रघुराज शर्मा गंभीर रूप से हुए घायल। बता दें कि मामला सियाना कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर पूठी गांव का है, जहां आज दर्जनों लोग सियाना कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दबंग पड़ोसियों पर उनके घर में घुसकर मारपीट और पथराव करने का आरोप लगाया है। तभी उसी दौरान मारपीट में पीड़ित शिकायतकर्ता और उसकी भतीजी के भी काफी चोटें आई हैं। हालांकि दबंग पड़ोसी पहले भी उनसे कई बार गाली गलौज और मारपीट करते रहते हैं, जिसकी सूचना उन्होंने पूर्व में सियाना कोतवाली में भी की थी और 112 नंबर पर कॉल करके सूचना देकर पुलिस से भी शिकायत कर चुके हैं। लेकिन दबंग पड़ोसी मारपीट और गाली गलौज से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते आज दर्जनों लोग पीड़ित शिकायतकर्ता के साथ सियाना कोतवाली पहुंचे और दबंग पड़ोसियों के खिलाफ सियाना पुलिस से कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने घायल और उसकी भतीजी को मेडिकल के लिए सियाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया है। पीड़ित शिकायतकर्ता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम ब्रजेश कुमार शर्मा है। कौन से गांव के रहने वाले? मैं गांव चांदपुर पूठी से हूं। इतने सारे लोग थाने पर आए, क्या मामला है? मामला अब से पहले भी कई बार हो चुका है, जिसकी हमने लिखित में भी तहरीर दे चुके हैं अब तक, और 100 नंबर 112 नंबर कई बार कॉल भी कर चुके हैं, गाड़ियाँ गई हैं, लेकिन वो भी कई बार समझा चुके हैं। लेकिन कोतवाली में भी आया ये केस कई बार पहले भी, लेकिन ये किसी के समझाने से आते नहीं है, दबंग आदमी है। इसके साथ करते हैं झगड़ा, कौन है वो झगड़ा करते हैं? जो डोरीलाल शर्मा और विकास और सोनू और विपिन। कौन से गांव के हैं वो? ये चांदपुर पूठी के। अच्छा, किसके साथ झगड़ा करते हैं वो? ये हम चार भाई हैं, चारों की घरवाली बहन बेटी भी हमारे, सभी के साथ ऊपर से थूकना, गालियाँ देना, और ये है कि ऊपर से और ना तो पानी डाल देना, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे कई साल से हम। आपके साथ भी मारपीट करी है क्या? जी, मेरे भैया के साथ। मैं बाहर गया हुआ था, मैं तो अभी लौटा हूँ। मेरे भैया और मेरी भी जो भतीजी चांदनी शर्मा है, उसके साथ ज़्यादा चोट आई है, उसकी बाजू टूटी है। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम रघुराज शर्मा है। उनके साथ मारपीट? हाँ जी। आप इतने सारे लोग थाने पर आए? जी, और पूरे घर पर पथराव करा गया जी, और घर पर कोई नहीं था, बंधक बना के इन्होंने मारा उन्हें। बाबा जी, क्या नाम है आपका? रघुराज शर्मा। कौन से गांव के रहने वाले? चांदपुर पूठी है। थाने पे इतने सारे लोग आए हो, क्या मामला? थाने पे जी हमारे भाई की लड़की है, अपने घर पे उन्होंने उसको पीट डाला, उसको लड़की ने पीटा। हाँ, डोरीलाल सोनू मोनू और विपिन, तीनों। कौन है? हैं? कौन है ये दूसरे? मतलब हमारे घर से आगे चल गए, रास्ते पे ही इनका घर। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने जो बातियों को मारपीट करी उस लड़की के साथ, मैं जो भागा तो मेरी मारपीट कर दे, मेरी डांट टूट गई, मतलब ये डांट टूटी हुई है और सिर में ईंट मारी है और ये घूसा है। किसके साथ मारपीट करी? मेरे साथ में। उन्होंने लड़की के साथ? जो लड़की के साथ में, हाँ, उसकी बाजू में लगी हुई लड़की ने ईंट मारी है उसके। मतलब क्या नाम है लड़की का? उसका आरती। अच्छा, फिर क्या हुआ? चांदनी। फिर क्या हुआ बताइए? उसके बाद में जो बातें जैसे और घर के भागे, फिर हम भागे आए, फिर ईंट को पथराव करो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से। ये लोग जो हमें कई साल से परेशान कर रहे हैं, हमारी जरानी निकले हैं और या कहीं पता इधर उधर, उनको गाली गलौज करे हैं, गाली दे हैं उनको, मतलब मुंह पे। बहन भी हमारी जो घरवाली है, मतलब कौन बकता गाली? ये सोनू और विपिन और विकास और डोरी, तीन चारों हैं ये। मैंने इनमें डोरी है जो इनको जो मतलब शिकावे, और इन्हें डांटता नहीं है। हमने कई बार प्रधान से भी शिकायत कर दी, लेकिन 2014 में पहले ये इराड हुई हमारे साथ में, आज भी ये इराड हो रही है। वो भी है, एप्लीकेशन लगी है। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को नहीं दी, थाने आए हम और एप्लीकेशन दिए थाने में। 100 नंबर की पुलिस ने आई, चार दिन पहले 100 नंबर की गाड़ी आई, पहले चार दिन पहले इन्होंने फिर मारपीट करी हमारे साथ में, अपने घर पे ही करते हैं ये मारपीट। तो आज इतने सारे लोग थाने पे शिकायत पत्र देने के लिए आए, इसीलिए हम शिकायत करने आए कोतवाली साहब से, कि जो हमारी जो सुनी जा, इसका निर्णय दे, जैसा भी कुछ हो। ऊपर थूक गए हमारे मतलब घरवाली के साथ में ये। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध हैं। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।